अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और इस क्लिप में, इस वीडियो में मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी कि लड़कों को किचन में लाना, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। एक तो लड़कियों की बात खैर अलग है, साथ साथ मैं बना रही हूँ जो भी रेसिपी वो आपको पता लगती जाएगी, बिकॉज आई विल लेबल इट ऑन द वीडियो, और एंड की क्लिप में तो आपने पता लग ही जाना है कि व्हाट आई एम मेकिंग। सो बॉयज़ या बच्चों को किचन में इंट्रोड्यूस करना, इट्स वेरी गुड आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, सो अहमद यूज़ टू स्टैंड विद मी एंड हेल्प मी। वो चेयर पर खड़ा होता है बिकॉज हिज हाइट इज़ लो, ऑब्वियसली 5 साल का बच्चा है, बट विद अ फुल सेफ्टी। और उससे मैंने अहमद के अंदर चेंजेस देखी कि ही गेट टू नो अबाउट द नेम्स ऑफ द फूड्स, नेम ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स, कितने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पता लगा, कितने सारे टर्म्स का रिलेटेड टू फूड पता लगा। क्योंकि इस एज में जितना बच्चों को आप वोकैबलरीज दे सकते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर देम, बिकॉज वो बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। सो ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि लर्निंग का एक छोटा सा पार्ट है जो कि हम किचन में प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट लेता है किचन में। बिकॉज अहमद वट एवर तो नहीं, बट कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जो अहमद को बहुत पसंद है, तो ही यूज़ टू स्टैंड विथ मी एंड सी कि मम्मी क्या क्या बना रही हैं। तो उससे उसे पता लग जाता है कि अच्छा ये इन्ग्रीडियंट्स इसके साथ डले हैं, इस तरह सेफ्टी के साथ इस तरह काम करना है, इस तरह अंडा तोड़े हैं। तो लाइक इतने बेसिक्स बच्चों को सिखाने के लिए आपको 5 साल के बाद बच्चों को थोड़ा थोड़ा किचन में आने देना चाहिए पूरी सेफ्टी के साथ। इस तरह भी आपको पता लगेगा अहमद कितना कुछ जो है, या बच्चा कितना कुछ वो लर्न कर सकता है किचन से। क्योंकि बच्चा स्कूल से तो एप्पल याद करके आ रहा है, बट इट्स योर ड्यूटी टू मेक देम रिवाइज अगैन एंड अगैन। और अगर रिलेटेड टू एप्पल अब किचन से रिलेट करता है, फूड से रिलेट करता है, तो व्हाई नॉट इन द किचन, ताकि वो दस और चीज़ें सीख जाए। तो हेयर इट्स अ क्लिप जहाँ पे मोहम्मद अहमद जो हैं वो कुछ चीज़ें लर्न भी कर रहे हैं, और आपको पता लगेगा उसने कितना कुछ जो है वो सीखा है किचन में रह के। क्योंकि बस इनकी फेवरेट चीज़ पिज़्ज़ा फ्राइज बन रही थी, तो अहमद जो है वो मेरे साथ खड़ा है, पर आप भी ऐसा कर सकते हैं। सो कम ऑन, लेट्स चेक द वीडियो नाउ। Mommy's making some pizza fries because I know. अच्छा, तो ये बता दो कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यू आर गोइंग टू पुट इन द पिज्जा फ्राइज। ओह, व्हाट अ शॉक। अच्छा बता दो, व्हिच इंग्रेडिएंट्स, हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स यू आर गोइंग टू पुट इन द पिज्जा फ्राइज। वी विल मेक इट, काउंट इट ऑन फिंगर। वन। हां, वन व्हाट? चिकन। चिकन? यस। हैम। हैम, ओके। Mushrooms, okay. उधर देख के बताओ ना। And? And olives. Yes. Lots of protein. Okay. And mushrooms. And it comes from sea. Capsicum. Capsicum, yes. And puff. Pickles. We need to check who is there. Pringles. And now. It has started. What yes. do you think? It has started. Yes, it has started. So what you were telling, ke first se kaun sa ingredient aata hai? Chicken. Okay. And some olives. Okay. Mushrooms. Mm-hmm. And... Pickle. Pickles? Pickle? Yeah. Pickle? Yes, pickles. And some capsicum. Capsicum. What else? Oh! Again? Oh! Show them where you have mushrooms behind. Show everyone. Here is the mushroom. Dikhao. Here is all of the mushrooms, but that one is just dead. Yeah. That's a dried mushroom. Sahi se dikhao. That's a stalk. Yes. Take one in your hand only. One in your hand. Mommy only needs one, but mommy needs a lot of them. दिखा दो ना, सही से दिखाओ। Nobody can see, there's a stalk. Here it is. Yes. And that's the mushroom. It currently look like a white tree.
But it's not a white tree. So what I tell everyone once Daddy told you about how it grows. Tell them. कैसे ये होता है? Daddy knows how it grows. No, you tell them. No, no. अब आपको भी पता है. Now you have to tell them how it grows. It comes from Daddy production. Daddy production? Yes, Daddy production. No, मेरी जान. It's not like that. Daddy just give them energy to grow. Yes. Okay. Daddy solar give energy. Them energy. But how grow. Mushrooms grow? You tell them. It the what was that? You tell me. Which kind of environment do mushrooms need? Energy. No, which kind of environment do they need? They want a closed, a specific humidity level environment. Yes. Right? Yeah. Or in a day, how many mushrooms they can produce? 100. No, meri jaan, they can produce 40 tons in a day. 40 tons. How many? 40 tons. Hmm, tell them. Yes. 40 tons in a day. Yes. Isiliye mushrooms are very cheap here in UAE. Yes, it will grow for 4 or 5 days. No, in a one day it can grow. That's one day it will grow. Yes, that's why the mushrooms are very cheap. Okay, now don't make them too much more. Just say we will come back. We'll come back. Jab humara dinner ready ho jayega. Yeah. Okay, so just stop the video. Alright.